महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों की तस्वीर लगभग साफ होती दिख रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की जोड़ी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी के लिए तैयार है, लेकिन हरियाणा में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है। हरियाणा में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर है। इसी उम्मीद में कांग्रेस और जेजेपी अपनी कोशिशों में जुट गई है, सरकार बनाने के प्रयास में जुटी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के परिणाम में त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी के बीच मुकाबला चल रहा है। तीनों दलों के प्रत्याशी बार बार आगे पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दिल्ली बुलाया गया है। त्रिशंकु विधानसभा के आसार के चलते उन्हें दिल्ली बुला लिया गया है। मनोहर लाल दोपहर बाद बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात कर सकते हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सुभाष बराला खुद भी टोहाना से चुनाव हार गए हैं और पार्टी आलाकमान के मन मुताबिक नतीजे भी नहीं आए हैं। गृह मंत्री और बीजेपी प्रमुख अमित शाह ने पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए सुभाष बराला को फटकार भी लगाई है। हरियाणा में कांग्रेस ने बीजेपी और मनोहर लाल खट्टर की चिंता बढ़ा दी है। बीजेपी की सुई बहुमत से पहले ही अटक गई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार बनाने के दावे कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने सीएम पद की शर्त के साथ कांग्रेस को समर्थन का ऑफर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चौटाला के मसले पर खुद फैसला करने का अधिकार दिया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है। हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस हरियाणा में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। हुड्डा के मुताबिक जनता जो फैसला करेगी उसे सबको मानना पड़ेगा। हरियाणा में आ रहे नतीजों को लेकर जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। दुष्यंत ने कहा है कि हरियाणा में 75 पार अब फेल हो गया है और अब यमुना पार की बारी है। इससे पहले दुष्यंत ये कह चुके हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की चाबी हमारे पास ही रहने वाली है। हरियाणा में अब तक के रुझानों के अनुसार किसी भी दल को बहुमत नहीं मिली है, लेकिन जेजेपी आगे जाती नजर आ रही है। राज्य की 11 सीटों पर आगे चल रही जेजेपी के कार्यकर्ताओं ने जींद में जश्न मनाना शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर पटाखे फोड़े और आतिशबाजियां की। इधर मनोहर लाल खट्टर को दिल्ली बुलाया गया है और बीजेपी जेजेपी से संपर्क साध रही है। हरियाणा में शुरुआती रुझानों में ही सहयोगी पार्टियां आसमान पर हैं। INLG ने दावा किया है कि इस बार हरियाणा में त्रिशंकु सरकार के आसार हैं और किसी कीमत पर बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे। चौटाला ने कहा है कि जनता बीजेपी से दुखी है, इसलिए त्रिशंकु सरकार की स्थिति में वो साथियों से मिलकर सरकार बनाने पर चर्चा करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के अब तक मिले रुझानों के मुताबिक टिकटॉक का जादू नहीं चला है। टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट बीजेपी के टिकट पर आदमपुर सीट से प्रत्याशी हैं। यहां कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई से उनकी टक्कर है। फिलहाल कुलदीप बिश्नोई आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। अब तक के रुझान महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के गठबंधन को आगे दिखा रही है। वहीं कांग्रेस NCP का गठबंधन पिछड़ गया है, लेकिन पंकजा मुंडे जो महाराष्ट्र में बीजेपी की एक मजबूत प्रत्याशी हैं, वो काफी पीछे हो गई हैं। महाराष्ट्र में बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत है। साल 2014 में बीजेपी को 122 सीटें मिली थी, वहीं शिवसेना को 61 सीटें हासिल हुई थी। जैसे जैसे वोटों की गिनती चल रही है, वैसे वैसे आंकड़े बदलते दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव के रुझान लगभग आ गए हैं। ताजा रुझानों को देखते हुए लग रहा है कि राज्य में बीजेपी शिवसेना गठबंधन बहुमत की ओर है, लेकिन फडणवीस सरकार के 6 मंत्री पीछे चल रहे हैं। महाराष्ट्र में धनंजय ने पंकजा मुंडे को पछाड़ दिया है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर रुझान आ गए हैं, जिसमें 162 सीटों पर शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन आगे चल रहा है। शिवसेना को इस बार गठबंधन की वजह से फायदा मिला है, लेकिन 2014 के मुकाबले बीजेपी को सीटों का नुकसान हुआ है।
महाराष्ट्र में अब तक आए रुझानों से लग रहा है कि राज्य में बीजेपी शिवसेना की गठबंधन सरकार बना सकती है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नतीजों के बाद सीएम पद के लिए बीजेपी से बातचीत होगी। महाराष्ट्र में हमारा फॉर्मूला 50-50 का था, हम बराबर के साझेदार हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम गठबंधन पर टिके रहेंगे और आगे भी मिलकर काम करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कई हजार वोट से आगे चल रहे हैं। नागपुर साउथ वेस्ट विधानसभा में कांग्रेस ने आशीष देशमुख को उतारा है। चुनाव आयोग से मिले आंकड़ों के मुताबिक फडणवीस कांग्रेस कैंडिडेट से 11,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे वर्ली विधानसभा सीट से बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। वो 34,000 मतों से आगे चल रहे हैं। आदित्य पहली बार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। महाराष्ट्र में वोटों की गिनती जारी है। नतीजों से पहले ही बीजेपी ने मुंह मीठा करने की तैयारी शुरू कर दी है। मुंबई में बीजेपी ऑफिस झंडों और पोस्टरों से सजा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी ने पहले ही 5,000 लड्डू बनवा लिए हैं। महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है तो कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन में है। चुनाव परिणाम की स्थिति देखते हुए उदित राज ने ट्वीट किया है कि अगर कांग्रेस और एनसीपी का मनोबल चुनाव से पहले गिराना होता और चुस्ती से लड़ते तो महाराष्ट्र में सरकार बना ले जाते। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों के परिणाम के रुझान से ये स्पष्ट हो गया है कि दलित कांग्रेस में वापस आ गए हैं। दक्षिण भारतीय राज्यों केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना में कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग हो रही है। केरल उपचुनाव में 2 सीट सीपीआईएम ने जीत ली है और सीटों पर यूडीएफ ने जीत दर्ज की है, जबकि एक और सीटों पर यूडीएफ ने जीत दर्ज की है, जबकि एक सीट पर वो आगे चल रही है। तमिलनाडु में 2 सीटों पर एआईएडीएमके आगे है, जबकि पुदुचेरी की 1 सीट कांग्रेस ने जीत ली है। उत्तर प्रदेश के 11 विधानसभा सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग जारी है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच टक्कर दिख रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में रामपुर सदर सीट से एसपी की तंजीन फातिमा आगे चल रही हैं। प्रतापगढ़ सदर सीट से अपना दल के राजकुमार आगे चल रहे हैं। लखनऊ कैंट सीट से बीजेपी के सुरेश तिवारी आगे चल रहे हैं। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा किया। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर वोटों की गिनती जारी है। बिहार में 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट समस्तीपुर का परिणाम आना है। मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एनडीए और महागठबंधन ने अपने अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा किया। बिहार में मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग ने पटना में कंट्रोल रूम बनाया है, जिसके जरिए निगरानी की जा रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नतीजों की काउंटिंग जारी है। इस बीच सभी दलों के नेता और प्रत्याशी भगवान की शरण में पहुंचे और अपनी जीत की दुआ मांगी। काउंटिंग के दौरान ही मुंबई के अशोक यादव ने सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन किए। वहीं एमएनएस के संदीप देशपांडे ने भी सुबह सुबह सिद्धि विनायक मंदिर में पूजा की। बीजेपी के राहुल नार्वेकर ने अपने ही घर में पूजा पाठ की और जीत के लिए दुआएं मांगी। वहीं शालिनी ताई और विखे पाटिल भी अपने परिवार के साथ शिरडी साईं पहुंचे और दर्शन किए। कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू कश्मीर में बीडीसी चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है। देर शाम तक नतीजे जारी हो जाएंगे। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। मैदान में 1,065 उम्मीदवार उतरे थे, जिनकी किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। जम्मू के संभाग में जहां 90% तक मतदान हुए हैं, वहीं कश्मीर में मतदान 50% से ज्यादा हुए। कश्मीर के गांदरबल, बडगाम, पाम्पोर, शोपिया आदि इलाकों में भी काफी संख्या में वोटिंग हुई है। शोपिया और कुपवाड़ा में काफी अच्छी वोटिंग रही।